तो पानीपत में पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में खासकर बागी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर की कुल 26 वार्डों में 9 जगह बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे बीजेपी की अंदरूनी चिंताएं बढ़ गई। पानीपत के 26 वार्ड में निगम पार्षद पद का संघर्ष अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। उम्मीदवारों ने प्रचार और वोट की अपील में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड एक में अपेक्षाकृत आसान मुकाबले में उतरी रेखा अग्रवाल का दावा है कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि शिक्षित होने के साथ साथ लोगों को उनके चेहरे पर भरोसा है कि वो उनके काम आएगी। 36 बिरादरी मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मैं मतलब इन लोगों का सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं और वोट के लिए अपील करती हूं कि अगर हमारे में कुछ भी काबिलियत है तो आप किसी के भी बहकावे में ना आकर छतरी पर वोट करें। उधर वार्ड 20 में कड़ी टक्कर दे रहे निर्दलीय उम्मीदवार और बागी बीजेपी नेता जितेंद्र जुनेजा को लगातार मिल रहे समर्थन से उनके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। वो खुद को जीत का सशक्त दावेदार मानकर चल रहे हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में उन्हें समर्थन और हमदर्दी मिल रही है। हमें जितना इन जनता से जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं इनका प्यार, जो इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं तय दिल से इनका शुक्रिया भी करता हूं और मैं इनके लिए 5 साल पूरी सेवा करूंगा, विश्वास दिलाता हूं और वार्ड में किसी तरह की इनको दिक्कत नहीं आने दूंगा। इनको नाज होगा 5 साल में कि हमने एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के लाए हैं। धन्यवाद। पानीपत में पार्षद पद का मुकाबला भी अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 26 वार्ड में से 9 वार्डों में बीजेपी के बागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इसीलिए अक्सर बीजेपी वाले कहते भी हैं कि बीजेपी को सिर्फ बीजेपी ही हरा सकती है। ओम शांति। सहयोगी कपिल के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।